Thank you, sir. As next speaker, we are going to listen. Now our guest is Professor Dr. Gyanendra Singh ji, Group Director, Patel Group of Institutions, Bhopal. Welcome, sir. मंच पे आसीन सभी माननीयगण, ऑडियंस में डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट एंड स्पीकर्स, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि फार्मलैंड से जुड़ा हूँ और इंजीनियरिंग से भी जुड़ा हूँ. एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें बात हो रही थी कि जमीन खराब कौन करता है. मैं उस फंक्शन में चीफ गेस्ट था, बाकी उसमें एग्रीकल्चरिस्ट थे, सॉइल साइंटिस्ट थे और कुछ इंजीनियर भी थे. सॉइल साइंटिस्ट मिल करके जमीन अच्छी करते हैं. जो खराब जमीन होती है, अपने पूरे देश में 328 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास में ज़मीन है, इसमें से कुछ खेती योग्य है. इस समय अगर हम देखें तो 142 मिलियन से घट करके 138 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन हमारे पास में रह गई है और बाकी में हमने कुछ ना कुछ कर दिया है. लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंस के समय की बात करें तो उस समय केवल 115 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन थी. इसका मतलब है काफ़ी कुछ ज़मीनें हमने ठीक की खेती के लिए. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती चली गई, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, हमें ज़मीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई. तो मैंने उस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सॉइल साइंटिस्ट ज़मीन ठीक करता है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट अच्छे अच्छे बीज देता है और इंजीनियर अपना ट्रैक्टर ले करके अगर ख़राब भी ज़मीन हुई तो उसमें खेती करवाना शुरू कर देता है. बचपन में पढ़ा करते थे कि रिक्वायरमेंट होती है रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो मान करके चलिए कि बिना इसके कुछ नहीं हो सकता है. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, हमारी फूड की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई. इंडिपेंडेंस के समय में हम केवल 51 मिलियन टन फूड ग्रेन्स पैदा करते थे और आज हम 260 मिलियन टन्स फूड ग्रेन पैदा करते हैं. इसी ज़मीन से है. हाँ, हमने पानी के साधन बहुत अच्छे कर लिए हैं, बीज बहुत अच्छे कर लिए हैं, खाद बहुत अच्छे कर लिए हैं, इसकी वजह से है. लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि हमारी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, जैसा कि डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी ने कहा, ऑयल सेक्टर में हम मोर देन 50% बाहर से करते हैं. पिछले कुछ दिनों से दाल की भी कीमत जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, समस्या हो गई है. अब रही मकान की, मकान में तो कुछ लोग जो रहते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो रहते हैं और कुछ जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके बगल में अपने झुग्गी झोपड़ियाँ बना करके रहना शुरू कर देते हैं. और ये एक फैक्ट है. यहाँ भोपाल में भी आप देखिए, मनित के पीछे बहुत बड़ा एक स्लम हुआ करता था. धीरे धीरे वहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाएंगे और काफ़ी लोगों को रिहैबिलिटेट कर दिया. बॉम्बे का अगर हम लेते हैं तो बॉम्बे का एयरपोर्ट के साथ में ही पूरा स्लम लगा हुआ है और हर एक स्लम हाउस में भी आप अंदर जाएंगे तो देखेंगे हर तरीके की अमेनिटीज़ उसके अंदर में आपको मिलेगी. अगर हम वर्टिकल हाउसिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो ज़मीन की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि हम वहाँ पे वर्टिकल हाउसिंग
कॉम्प्लेक्स बना करके लोगों को फ्री जमीन दे सकते हैं। मैं बहुत दिन तक दिल्ली में था, स्टेट्स से जो लोग जुड़े होते थे वो आते थे राजेंद्र नगर एरिया में। अगर कुछ लोगों ने देखा हो, ये पटेल नगर के पास में है, सिंगल स्टोरेज मकान हुआ करते थे, दो दो तीन तीन रूम के होते थे। बिल्डर्स ने उन ज़मीन को ख़रीद करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दिया, और जिनका वो ज़मीन थी जिस पे उनके मकान थे, उनको कहा गया कि आप किसी भी फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर को छोड़ करके आप फ्री ले लीजिए, प्लस उस ज़मीन की जितनी कीमत थी उस समय उसको भी देने के लिए वो तैयार हो गए थे। और ये कॉन्सेप्ट हर जगह पे चल रहा है। दिक्कत कहाँ पे आती है, जहाँ पे ज़मीन की वैल्यू कम होती है कोई भी वहाँ पे मल्टी स्टोरीड बनाने की बात नहीं करता है। आज से 30-35 साल पहले जब मैं भोपाल में आया था, करौंद के पास में एक इंस्टीट्यूट है उससे जुड़ा था, सामने एक ब्रिगेडियर साहब का 1 एकड़ पे फार्म हाउस बना हुआ था। उन्होंने ऑफर किया कि 60,000 में हम ये पूरी ज़मीन और मकान बेचना चाहते हैं, लेकिन उस समय उसको भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। अब उस ज़मीन की ही कीमत 2 करोड़ हो गई है। अब सिंगल हाउस बना कर रहने का कोई सोच भी नहीं सकता है। बॉम्बे में भी देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग काम करते हैं वो वर्टिकल हाउस में रहना पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ से 30-40 किलोमीटर पे फार्म हाउस भी बनाते हैं प्लेजर के लिए, उसी को वो पसंद करते हैं। तो हमारे यहाँ पे सोसाइटी के अंदर में जो समस्या है वर्टिकल हाउसिंग की या हॉरिजॉन्टल हाउसिंग की, एक तो ये है जो इंजीनियर्स के लिए चैलेंज है कि हम ऊपर वर्टिकल कितना जा सकते हैं, और हमारे यहाँ सिविल इंजीनियर्स इतने कैपेबल हैं कि किसी तरीके के भी मकान बनाने के लिए उनके अंदर में कैपेबिलिटी है और कैपेसिटी है। फिर मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ जाती है। आपने वर्टिकल हाउसिंग बना दिया, हमारे चीफ गेस्ट थे, उन्होंने भी कहा कि आपकी रिक्वायरमेंट जो होती है बाकी की, चाहे वो रोड्स की हो, पार्किंग की हो, स्कूल्स की हो, वेरियस एमिनिटीज़ की हो, हेल्थ की हो, रोड कनेक्टिविटी की हो, जब तक आप इस पे ध्यान नहीं देंगे वर्टिकल हाउसिंग कॉन्सेप्ट ही रह जाता है। और उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं रहता हूँ अयोध्या नगर में, हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है, मल्टी स्टोरीज वहाँ पे नहीं है, हाँ 2 स्टोरीज के ज़्यादातर मकान हैं। बगल में इसरो है, तो इसरो की वजह से उन्होंने एक कंडीशन डाल दी है कि 1 किलोमीटर के रेडियस में 2 स्टोरी के अलावा और ज़्यादा मकान नहीं बनाए जा सकते हैं। जगह खूबसूरत बहुत है, और खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने ज़मीन भी छोड़ रखी थी कि हम यहाँ पे हर तरीके के पार्क्स बनाएंगे, स्विमिंग पूल बनाएंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ बनाएंगे, शुरुआत भी की, लेकिन 10-12 साल लग गए उस एरिया को ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लिंक करने के लिए। बीच में काफ़ी कुछ झगड़ा चला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच में, हाउसिंग बोर्ड के बीच में, कि इसका मेंटेनेंस कौन देखेगा। बड़ी मुश्किल से 10-12 साल लग गए समझौता के लिए। आज से 35 साल पहले जब मैं आया था जवाहर चौक एरिया में, वो 4 स्टोरी का है, बहुत बड़ा भी नहीं है, एक सोशल आस्पेक्ट की जो मैं जिक्र कर रहा था, वहाँ पे डिस्पोजल के लिए आप खाना बनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो वेस्ट निकलेगा। वेस्ट डिस्पोजल के लिए उन्होंने सेंट्रलाइज पाइपिंग सिस्टम बना रखी थी, शायद ये किसी फॉरेन कंट्री से इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया होगा कि आप अपनी फ्लोर से ही पाइप के अंदर में अपना जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको डंप कर दीजिए। और किचन में तो आप समझते हैं दाल भी होती है,
गीली सब्जी भी होती है, अपने साथ वो और ढेर सारे मटेरियल को ले करके और हर महीने उस पाइप को चोक कर देती है। अगर प्राइवेट कॉलोनी हो तो फिर भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कॉलोनाइजर से, बिल्डर से, कि इस तरीके के फैसिलिटीज़ आप कीजिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट का हाउसिंग सिस्टम है जिसका कि मेंटेनेंस गवर्नमेंट के हाथ में है, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। रहने वालों की बात है तो मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। आईआईटी खड़गपुर में था, प्रोफेसर्स के लिए उन्होंने केवल 3 स्टोरी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट बनाया था। उन्होंने समझा कि प्रोफेसर से अच्छा और कौन सिविलाइज पर्सन हो सकता है, और वहाँ पे यही सेंट्रलाइज गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम दिया और कुछ दिन के बाद में वो पूरा चौक हो गया। तो वर्टिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, कास्ट के हिसाब से हमारी जो फार्म लैंड है उसकी बचत के हिसाब से बहुत अच्छा है, बशर्ते कि जितनी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, अगर इसको पूरी सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसी भोपाल के अंदर में आप देखिए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है, चाहे आप कुलार रोड में चले जाइए या दूसरे अवधान नगर के पास में चले जाइए, अभी शुरुआत है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब मेंटेनेंस की बात आएगी, चाहे वो वाटर सप्लाई की हो या लिफ्टिंग की लिफ्ट की बात हो, अगर हमने प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं दिया, अगर इलेक्ट्रिसिटी का अल्टरनेटिव भी हमने नहीं दिखा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में कभी न कभी तो प्रॉब्लम आ ही जाती है, इसी तरीके से वाटर सप्लाई की है, सीवेज की है, ये फैसिलिटीज़ अगर बहुत ही एफिशिएंट नहीं होगी तो ये समस्या खड़ी कर सकती है। जहाँ तक बात है एग्रीकल्चर की, जैसा मैंने बताया कि हमारे पास में इतनी ज़मीन है, 130 मिलियन हेक्टेयर तो हमारे पास में ज़मीन है, अभी भी अगर हम देखें तो उसकी प्रोडक्टिविटी हमारे जो पड़ोस में है, थाईलैंड ले ले, चाइना को छोड़ दीजिए, चाइना के पास में एग्रीकल्चर के लिए मुश्किल से 100 मिलियन हेक्टेयर है और हमारे से 3 गुना ज़्यादा वो पैदा करता है। समस्या केवल यही है कि अगर किसान को आप पानी की सुविधा दे दें, बहुत अच्छा बीज दे दें, खाद दे दें, और थोड़े बहुत जो ऋण की ज़रूरत उसको पड़ती है जिससे कि वो ट्रैक्टर खरीदता है या इरिगेशन इक्विपमेंट खरीदता है, तो वो प्रोडक्टिविटी कहीं की कहीं भी बढ़ा सकते हैं। हाँ, जितने भी रोड पहले से डेवलप हैं उसके किनारे किनारे अगर आप देखें तो जैसे कि यहाँ इस जो यूनिवर्सिटी ये शुरुआत में बनी थी, ये पूरा जंगल हुआ करता था, अब तो इसमें जंगल क्या, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ही पूरा रह गया है। इसके अलावा भदभदा के ऊपर में जाएं तो कॉलेज वालों को वो ज़मीन बहुत खूबसूरत लगती है, 10,000 रुपया एकड़ की ज़मीन आज से 15-20 साल पहले थी, आज 1 करोड़ एकड़ में भी आप उस ज़मीन को नहीं खरीद सकते हैं। तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि जहाँ पे लैंड की वैल्यू बहुत बढ़ती चली जा रही है, अप्रिशिएट होती चली जा रही है, वहाँ पे सिवाय वर्टिकल हाउसिंग कॉन्सेप्ट है और दूसरा कुछ नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे ज़मीन अभी भी बहुत सस्ती है, ये तो नहीं कहूँगा कि हाँ 15-20 साल पहले वाला प्राइस होगा, लेकिन फिर भी वहाँ पे अप्रिशिएशन नहीं हुआ इतना ज़्यादा, वहाँ पे शायद कुछ दिन तक अभी भी हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की बात होगी। एक दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें जो था, स्टीप स्लोप वाले जो जगहें हैं, हमारा पूरा नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है वो पूरा स्टीप स्लोप वाला ही है, और हमारे वहाँ पे बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जुड़ा रहा हूँ, हमारे खुद के अपने वहाँ पे बहुत से संस्थान हैं, सब वो स्टीप स्लोप पे ही बने हुए हैं। तो जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही है कि जो मैनेजमेंट है, जो एमिनिटीज़ हैं, अगर वो हम उस इलाके में प्रोवाइड कर सकते हैं तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये चीज़ें हम नहीं दे सकते हैं तो चाहे वो प्लेन में वर्टिकल कॉन्सेप्ट की बात हो या स्टीप स्लोप पे वर्टिकल बिल्डिंग की कॉन्सेप्ट की बात हो, समस्या रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ITDC को धन्यवाद देता हूँ।
कि इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आप सबके साथ में इंटरेक्ट करने के लिए. धन्यवाद.